बैक टू माई चैनल। सो आज मेरी नाइट ड्यूटी है और ये मेरी फर्स्ट नाइट है और आज ये फर्स्ट नाइट है और आज ये कॉल डे है। तो जिन्होंने मेरे जो मेरे वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कॉल डे क्या हुआ, बट जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ। कॉल डे के दिन जितने भी इमरजेंसी में आते हैं पेशेंट्स मेडिसिन के, वो सारे हमारे वार्ड में आएंगे। तो मेडिसिन के हमारे 3 वार्ड है, B, C, D। तो मैं डी में हूँ और वहाँ आज कॉल डे है, तो वहाँ पेशेंट आएंगे आज रात भर। तो देखते हैं पेशेंट आते हैं, कितने आते हैं, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, जो भी होता है मैं आपको बताऊंगी। सो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और 7:30 होने वाले हैं। मैं इसमें जाके देखते हैं कि डिनर क्या बना है। सो डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद हम जाएंगे ड्यूटी पे। और मेरे साथ साथ अभी आबा की भी नाइट चल रही है, तो अभी साथ में जाएंगे। और अभी मैं बस सामान रख रही थी मतलब नाइट के लिए, क्योंकि अब ठंडा हो गया है थोड़ा बहुत। प्लस पॉइंट यह है कि मेरे साथ एक और है इंटर, थोड़ा मतलब दो के साथ ऐसा हो जाता है कि काम बढ़ जाता है। और अभी मैं सामान रख रही थी, दिखाती हूँ नाइट में जाने की क्या क्या तैयारी कर रही हूँ मैं। सो दिस इज माई बैग, और ये मेरा बैग नहीं है, ये दादी का बैग है, क्योंकि दादी का बैग थोड़ा बड़ा है मेरे बैग से, इसलिए मैंने दादी से मांगा। तो सबसे पहले आगे रखे हैं मैंने हैंड वॉश और सैनिटाइजर जो चाहिए होता है, और थोड़े बहुत इसमें मास्क है, छाता, बट छाते का भी वैसे कोई काम नहीं है, बट फिर भी मैं रखती हूँ, कुछ भी हो सकता है। बुक और उसके अंदर छोटी मतलब नोट की कॉपी, अगर नोट्स बनाने हैं। बुक्स मैं रखूंगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगी मैं। ये मैनेजमेंट की बुक है, ये बहुत पतली है इसलिए रख रही हूँ, इसे बाकी मोटी मोटी है तो बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रखती हूँ जब भी क्लिनिकल ड्यूटी जाती हूँ। तो लास्ट में आती है बॉटल पानी पीने के लिए। नाइट ड्यूटी के लिए बैग तैयार हो गया है। तो ये है मेरा नाइट ड्यूटी के लिए जो बैग है, मोटा खासा। तो रेडी हूँ मैं अब नाइट ड्यूटी पे जाने के लिए, तो लेट्स गो। पहले मैं जाऊंगी मैस में, तो स्टे ट्यून। तो मुझे याद आया कि कुछ खाने के लिए भी ले जाती हूँ, अगर मेरे इसमें होगा जो स्नैक्स मिलते हैं हमको वो मैं रख देती हूँ कभी कभी जब मन नहीं करता है। तो देखती हूँ क्या है, नमकीन रखूंगी, ये बिस्किट है, ये इलायची वाले रख देती हूँ, बट मन नहीं है, बट क्या पता उस टाइम पे मन करे भूख लगे तो। मतलब मेरा मन नहीं किया बिस्किट सॉरी रोटी खाने का, क्योंकि खाना अच्छा नहीं था, तो मेरा मन नहीं किया, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने एक आधी रोटी खाई। जी नहीं दोस्तों, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन इसने इसलिए नहीं खाया ना क्योंकि इसने बहुत पहले ही पेट पूजा कर ली थी, और ये रोशनी उसके लिए कुछ लाई थी तो उसने खा लिया था, वो भी अकेले अकेले। दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं दिया इसने गंदी चिकन का, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं खाया वो, ऐसा ही है, इसने केक भी अकेले खाया और साथ ही साथ वो पोटैटो चिप्स जो भी थे वो भी थोड़े से। आवा ने मुझे कहा मैस में बाहर निकलने से पहले कि कनिका चल वो खाएंगे क्या, वाओ कितनी प्यारी आ रही थी, सब वार्म लाइट नहीं होती आएगी, तो इसने मुझे कहा था, इसने मुझे कहा था कि मोमो खाएंगे, अब बोल रही मैंने बहुत पेट भर गया, देखिए दोस्तों मेरा पेट पूरा फूला हुआ है बिल्कुल जगह नहीं है। तो इसने ना जैसे बारात में नहीं खाते खाना खूब सारा, आज की राजमे की सब्जी अच्छी थी, आलू और मटर भी इतना टेस्टी हो रहा था, मेरा मन ही नहीं हट रहा था, मैं चावल दो रोटियां इतना भर भर के खाया है, और मैंने एक दो पीस ही खाए बस। तो बस अभी हम जा रहे हैं, ये है यहाँ से पीछे जाते हैं अंदर एंट्री करते हैं, कैजुअलिटी है जहाँ आबा की ड्यूटी है, अभी हम साइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइन होता है हॉस्पिटल में आते हमारी एंट्री होती है। अब ये देखिए मेरी तीसरी नाइट आज, इसकी ये तीसरी नाइट है, अब मेरी नाइट आज से स्टार्ट हो रही है। सो गाइस अब मेरी हो गई है नाइट ड्यूटी स्टार्ट, 8 बज रहे हैं, करेक्ट 8 बजे आई हूँ मैं, तो 8 बज गए हैं, अब से होती है मेरी 12 घंटे की ड्यूटी स्टार्ट। सो देखते हैं कैसे जाती है मेरी नाइट ड्यूटी। सो अब मैं करती हूँ ड्यूटी स्टार्ट और मिलती हूँ आपको बीच में, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मिलूंगी, तब बताऊंगी क्या क्या हुआ था। एम्पल तोड़ने के डिफरेंट तरीके होते हैं, पहला कि इसकी नेक को अच्छे से घिसो ताकि ये टूट जाए इजिली, और सेकंड तरीका इसे सिंपल एक वायल से तोड़ दो, इजिली टूट जाए। अभी एक दो ही पेशेंट आए तो इसके बाद जाते हैं और काम करते हैं, देखते हैं। तो अभी वार्ड में राउंड चल रहा है, तो अभी राउंड खत्म हो गया है और अभी हम बस बैठे हैं, तो अभी देखते हैं क्या काम होता है। अभी पेशेंट ज्यादा नहीं है, बस 13 पेशेंट अभी तो फिलहाल। मैंने अभी अभी बोला कि पेशेंट कम है, तो अभी भी मैम आएगी, पेशेंट आ रहा है एक, तो ऐसे होता है, मैम वही बोल रही थी कि प्लीज ऐसे मत बोल कि 13 पेशेंट है वरना और आएंगे, तो और आ ही रहे हैं।
लेट्स सी कितने पेशेंट आते हैं रात को। तो गाइस अभी मतलब एक घंटा हो, एक नहीं दो घंटे हो गए, 10 बज गए हैं। तो अभी थोड़ा काम किया, ब्लड सैंपलिंग ये सब जितना भी था वो हुआ, पेशेंट आ ही रहे हैं। बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था मैस में, तो अभी खाएंगे। मैम मैगी लेके आ रही थी तो मैगी खा रहे हैं। विनीता ऑलरेडी झपट गई है उसमें। तो ये प्लेटलेट है जो एक पेशेंट को चलनी है बीटी सेट के थ्रू। तो इसमें हम इस पेपर से और इस बैग को हम मैच करते हैं, इसका बैग नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डे और एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे एक यूनिट प्लेटलेट लग गई है, अब दूसरी यूनिट लगा रहे हैं प्लेटलेट की। लग रहा है कि कॉल डे है, मतलब अभी धड़ाधड़ एक बार एक पेशेंट आ रहा है, एक आ रहा है उसके कैथ लगा रहे हैं, फ्लूड लगा रहे हैं, फिर दूसरा पेशेंट आ रहा है। तो अभी चल ही रहा है, तो थोड़ी देर पहले बाहर आई थी तब मैंने ऐसे बता दिया, अब जा रही हूँ क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं। अभी बहुत हैक्टिक डे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वायल है जिसमें सैंपल जाते हैं पेशेंट के, ब्लड सैंपल। तो गाइस अभी मतलब कॉल डे था, बहुत बिजी था, मगर थोड़ा रेस्ट में ना, तो हमने मैम से कहा कि हम दूसरे वार्ड में जा रहे हैं PICU में, क्योंकि वहाँ खाना है। तो मुझे बहुत भूख लग रही है तो हम खाना खाने जा रहे हैं। तो लेट्स गो। ये है PICU और यहाँ ये सजा रखा था 14 नवंबर के लिए। तो अभी हमने खाना खा लिया, हम फटाफट भाग रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कॉल डे है, पेट पूजा हो गया, एक एक दो दो रोटी खा ली हमने, तो बहुत अच्छा था खाना। अब जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, जो ड्यूटी कर रहे हैं तो भाग रहे हैं फटाफट। मतलब हमने जैसे ही खाया वैसे हम आ गए क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं। तो अभी 11:30 हो गई है, 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी तक पेशेंट नहीं आए, तो सब ऐसे बैठ रखे हैं। मैंने सोचा थोड़ा मैं जो बिग बॉस डाउनलोड कर रहा था वो बिग बॉस देखती हूँ, तो अभी देखते हैं बिग बॉस। तो इस कंप्यूटर के थ्रू पेशेंट के सैंपल जाते हैं, यहाँ से पेशेंट का TRQ नंबर निकलता है जो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में लिखते हैं, और तब पेशेंट के सैंपल भेजे जाते हैं। तो अभी मैं एक पेशेंट का फ्लूड लगा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि आप बहुत सारे बोलते हैं कि आप फ्लूड कैसे लगाते हो वो बताओ। तो अभी मैं जा रही हूँ DNS लगाने, ये IV सेट है, मतलब इसके थ्रू हम ये फ्लूड लगाते हैं। IV सेट के अंदर ये नीडल भी आती है और ये चैम्बर है, ये IV सेट है और ये हमारा फ्लूड है, मतलब जो हमको लगाना है पेशेंट को। इसमें आगे से इसे पहले अच्छे से चेक करना है, और जब भी हमारे पास IV सेट आता है वो खुला हुआ आता है तो इसको पहले बंद करना है, इसे करके चैम्बर भरना है इसका, और इसके एयर निकाल लेते हैं। तो ये एयर निकल गई है, अब ये इसमें नीडल से इसे एयर बाहर निकालेंगे, और अब ये पेशेंट को हम कनेक्ट करेंगे उसकी कैथ से। सो जिस पेशेंट को मैं फ्लूड लगा रही थी वो डेंगू पेशेंट था, इसलिए यहाँ पे मच्छरदानी लगा रखी है। बज गए हैं 12:30 और मुझे बहुत नींद आ रही है, मे बी इसलिए कि फर्स्ट नाइट थी और पेशेंट तो आ ही रहे हैं लगातार, और क्योंकि मैं आज दिन भर सोई नहीं। पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, जैसे मेरी नाइट होती है और मुझे ऐसा होता है कि हाँ मुझे सोना है करके मैं 2 बजे लेटी थी, बट 2 से 4, 4 से 5 हुआ मुझे नींद ही नहीं आई, उसके बाद मैं उठ गई थी, थोड़ा पढ़ा मैंने। मेरे साथ ऐसे होता है, जब मुझे ऐसा होता है कि मुझे सोना है क्योंकि मुझे रात भर उठना है, तो मेरे से सोया नहीं जाता। तो अभी मुझे बहुत नींद आ रही, तो मे बी हम शिफ्ट लगाएं कि इतने से इतने बजे तू सो जा, इतने से तू सो जा, ताकि सब मतलब हम देख सके, ऑब्जर्व कर सके कि हाँ कितने पेशेंट आ रहे हैं, इन सब का एडमिशन। तो क्या नींद आ रही है, बिजी हो रहा, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा फ़ोन निकालने का, बट जितना भी हो रहा दिखा रही हूँ आपको। तो यस स्टे ट्यून्ड। अभी 2 बजने वाले हैं, 1:30 बज गए हैं, तो अभी आधे घंटे से कोई पेशेंट नहीं आया है। पेशेंट आया ना अभी, फोन किसका आया था पेशेंट? अरे हाँ एक पेशेंट आ रहा है अभी, और बस यही है, तो आएगा तो वेट कर रहे हैं कब आएगा वो। बस अभी चाय भी है तो थोड़ा अभी अच्छा लगा, और मैं थोड़ा बिग बॉस देती हूँ जब पेशेंट नहीं आता है। तो क्या वैसे नींद बहुत आ रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है जो सुबह जाने हैं, तो इसमें पेशेंट के नाम लिखे हैं, जिन जिन के सैंपल हैं, और यहाँ पे वाइल में उनके नाम लिख रहे हैं पेशेंट के। तो हमारे वार्ड में एक पेशेंट नॉरेट पे है, तो उसका हम नॉरेट बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने टैग कर दिया है कि क्या है इस बॉटल में। तो ये डाइफ्लू है, और ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्लूड कितने टाइम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे पेशेंट को नॉरेट लगा रहे हैं, और इस डाइफ्लू के थ्रू हम रेट सेट करेंगे फ्लूड का। ये बज गए हैं 3:00, 3:00 बज गए रात के। तो अभी मैं सोती हूँ, थोड़ा मतलब देखती हूँ सोती हूँ कि नहीं सोती, मगर अभी मैंने कहा कि जा ले रेस्ट कर ले, थोड़ा बाहर जाते हैं देखते हैं कि क्या क्या काम है क्या नहीं है, तब सोते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिले मतलब हुआ तो टाइम मिले तो फिलहाल वार्ड में अभी सब स्टेबल हैं।
तो अभी 3:30 हो गया है और अब मैं थोड़ा जा रही हूँ रेस्ट करने, तो देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। और अभी तक आए हैं 6-7 ही पेशेंट आए अभी 3:30 बजे तक, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, कमी है। बट मैम ने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर उठ के फिर काम करना है बहुत सारा, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि कब फिर वो मतलब मैं सोऊंगी तो वो उठेगी मेरी, था जो मेरे साथ है, तो हमने ऐसे लगा रखा ताकि काम बटा रहे और वार्ड ठीक रहे। तो अभी जब सुबह उठूंगी तो मेडिसिन करूंगी तभी उसे, तो चल रही हूँ, बाय, गुड नाइट। पेशेंट आया है तो उसकी ड्रिप बना रही हूँ मैं, तो वही इसी के अंदर रखी, तो यहाँ पे रखी रहती है मेडिसिन, तो मैं ढूंढ रही हूँ डोपामाइन। तो अभी 4 बज गए हैं, मैंने कहा थोड़ा देर सो जा, मतलब एक 1.5 घंटा तो लेटती हूँ और फिर मिलूंगी जब उठूंगी। अब देखती हूँ मुझे नींद आती कि नहीं आती, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे कभी वैसे नींद नहीं आती क्योंकि वेंटिलेटर की आवाज आती है, तो वैसे नींद नहीं आती, टू करता रहता है, तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे शांत प्लेस चाहिए सोने के लिए। तो ऐसे ही लेट जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि सुबह उठ के जब भी उठूंगी तो बहुत काम करना है हमें, और तभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आंखों को थोड़ा आराम दे देती हूँ। तो या बाय। तो अभी बज गए हैं 5, तो मतलब मैं 4 बजे लेटी थी, तो 4 से 5 हो गए हैं। इधर उधर पलट रही थी क्योंकि नींद नहीं आ रही थी मुझे, मैंने सोचा कि अभी फालतू लेटने से अच्छा है मैं सैंपल लूँ, क्योंकि बहुत ही सारे सैंपल हैं, हर पेशेंट के 2-3 सैंपल हैं, तो मैं वो लेती हूँ। और यहाँ क्योंकि बहुत सारा काम है, उसके बाद मेडिसिन हो जाएगी, मतलब पहले सैंपल हो जाएगा, तो यहाँ इसलिए मैं उठ गई और मैंने सोचा कि फालतू लेटने से अच्छा काम करती हूँ। तो इतने सारे पेशेंट के सैंपल जाने हैं जो हमको अभी निकालना है, तो लेट्स गो। तो इन वायल के अंदर एंटीकोगुलेंट सीरम होता है, इसको हम अच्छे से ब्लड को शेक करते हैं ताकि क्लॉट ना हो। तो अभी 6 बज गए हैं, तो सारे सैंपल कंप्लीट हो गए हैं, निकालते 6 बज गए हैं। अब 6 बजे करेंगे हम मेडिकेशन, तो मैम यहाँ से फायर में देखकर मेडिसिन बोलेंगे और हम करेंगे। तो गाइस अभी मेडिसिन हो गई है और 7 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो 1 घंटा मेडिसिन में हुआ, तो लगातार सैंपल के बाद, इतने सारे सैंपल के बाद मेडिसिन किया मैंने ज़्यादा था। और हमारे वार्ड में 2 HIV पेशेंट है, तो उनकी भी मेडिसिन करनी होती है, और रिस्की वाली जॉब है कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साथ साथ अपने आप को भी प्रिवेंट करना है ऐसी चीज़ों से, एक बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, खुद के लिए भी, खुद की सेफ्टी के लिए भी, दूसरों को भी ट्रीट करना है, खुद को भी सेफ रखना है। अभी चलती हूँ बाहर और देखती हूँ और क्या काम है, फटाफट निपटाती हूँ और चलते हैं यहाँ से। हाई कर रही थी तो मैं आपको भूल गई थी कि आप अभी आई है मेरे साथ, सुबह जब निकल रहे थे याद आई कि आप अभी आई थी मेरे साथ, इतना बिजी हो गई थी, मतलब मैं वार्ड में। कल पेशेंट 21 हो गए हैं जब मैं आ रही थी यहाँ, तो अभी हम जा रहे हैं DRDO के रास्ते से। तो वैसे मतलब ठीक थी, अच्छी लगी, कॉल डे था, बिजी था, बट अच्छा था क्योंकि मुझे वैसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो अच्छा लगा मुझे। तो बस ऐसी हुआ नाइट में, और आज है 16 नवंबर, तो 16 नवंबर को हमको आज इस नर्सिंग में 4 साल हो जाएंगे, हो गए हैं मतलब, ठीक है। तो हम हैप्पी एनिवर्सरी आभा, हैप्पी एनिवर्सरी, तो सबको हमारे जो लूल्स हैं उन सबको हैप्पी एनिवर्सरी। अभी जाके मिलूंगी सबसे, मतलब किसी की मॉर्निंग होगी किसी की होगी, तो जो मिलेगा उनको विश करूंगी। हम पहुंच गए हैं हॉस्टल में, अब जा रही हूँ नहाने और फिर उसके बाद जाऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो यार दैट्स ऑल इन टुडेज़ व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग देखने में मजा आया होगा। वैसे मैं बहुत मतलब कॉल डे में बिजी था, तो ज्यादा शूट नहीं कर पाई, बट जितना भी हो सका मैंने शूट करने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर कमेंट करना अगर आपको एक और नाइट ड्यूटी चाहिए व्लॉग, मतलब कैजुअल नाइट ड्यूटी ना, मतलब कॉल डे के दिन वाली नहीं, मतलब ऐसी वाली बिना कॉल डे वाली। तो या ओके, बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।